हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का बजिंग स्टॉक जियो फाइनेंस और कुछ तीन हम लोग मोमेंटम स्टॉक डिस्कस करेंगे और आरवीएनएल का लेटेस्ट ऑर्डर बुक उसके बारे में भी देखेंगे और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कल तो छुट्टी रहेगा, कल राम नवमी के चलते छुट्टी रहेगा, तो जियो अपना जियो का न्यूज़ पता ही होगा। जियो और जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक का अपना मर्जर हुआ है, तो बाकी जो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस तो एक मंडे का न्यूज़ है, कल का ही न्यूज़ है दैट एंटर्ड इनटू अ न्यू जॉइंट वेंचर विद द यूएस बेस्ड ब्लैक रॉक टू सेट अप वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग बिजनेस इंडिया इन लेस देन अ ईयर। लेस देन ईयर के अंदर एक ब्रोकिंग का बिजनेस और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एक सेटअप करना चाह रहे हैं लोग। तो ऑलरेडी एक सेबी का अप्रूवल बाकी है, इसका अक्टूबर में एक फाइल किया था अप्रूवल के लिए, तो अभी दे आर वेटिंग फॉर अप्रूवल। और जो इंडिया का एक पर्टिकुलर सेगमेंट में 1.2 ट्रिलियन का एक फाइनेंशियल एसेट एक सेगमेंट है, तो काफ़ी पोटेंशियल है और आने वाले समय में और बढ़ते रहेंगे क्योंकि काफ़ी अवेयर हो चुका है पब्लिक। अभी जो जनरेशन है, अभी का जनरेशन है काफ़ी अपने इंटरनेट के चलते और बाकी सोशल मीडिया में जहाँ भी एक्टिव है, जो भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो काफ़ी अवेयर है पब्लिक अपना, पहले जैसा नहीं रहा। तो अभी इसका ये न्यूज़ के चलते अभी ब्लैक रॉक का शेयर अराउंड 1.7% कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उसको बढ़ोतरी देखने को मिला है। दोस्तों जियो फाइनेंस अभी 3% ऊपर था, तो अभी मार्केट के साथ ये भी गिर गया है, अराउंड 2% फिलहाल होल्ड कर रहा है, 362 का लेवल अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो इसमें जो हमारा शॉर्ट टर्म का कोई राय नहीं है, अभी जो भी है जिसके पास टाइम है वो तो ज़रूर पैसा बनाएगा उसमें। जो जियो फाइनेंस जैसे कि बताया मैंने 3000 का टारगेट है हमारा, तो उसमें एक अपना गिरावट में अच्छा मौका है आपको एक्यूमलेट करने का, आप वेट कीजिएगा, टाइमिंग कीजिएगा, जो इंतजार का इसमें ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा लॉन्ग टर्म में। Investing in the stock market involves significant risks, including the potential loss of principal. Market fluctuations can lead to both gains and losses, and past performance is not indicative of future results. It is recommended to consult with a qualified financial advisor. दोस्तों निफ्टी देखेगा तो निफ्टी में भी एक 160 नीचे और बैंक निफ्टी अराउंड 350 पॉइंट नीचे, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे अराउंड सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। फिर भी शॉर्ट कवरिंग हो सकता है यहाँ से क्योंकि कल छुट्टी है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है तो थोड़ा बहुत आपको पुल बैक रैली मिल सकता है, तो अराउंड आपको 50-60 पॉइंट का और रैली ऊपर की तरफ मिल सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो। दोस्तों हम लोग कल 4 स्टॉक एनालिसिस किए थे, उसमें 2 ट्रिगर हुआ, जैसे कि हेलिकॉन इंजीनियरिंग वो अपना ट्रिगर हुआ, अराउंड आप देख सकते हो 1.6% ऊपर है। बाकी आरके फॉर्जिंग एक न्यूज़ के चलते न्यूज़ पे एक मूव मिला उसको, वैग अपना वंदे भारत का जो ऑर्डर मिला था उसके बाद आज भी अराउंड 2% ऊपर है, तो उसमें बने रहिए दोस्तों, जो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेगा अपना। अभी जब जैसे ही मार्केट थोड़ा रिवर्स होगा तो इसमें और एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आरके फॉर्जिंग। दोस्तों आरवीएनएल का आज लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो ये पर्टिकुलर काउंटर में हम लोग बुलिश है रेलवे सेक्टर में, तो आरवीएनएल में हम लोग अक्सर उसका डेवलपमेंट के बारे में और नया ऑर्डर मिलेगा तो हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। दो रिसेंट ऑर्डर देख सकते हो, अराउंड 95 करोड़ का एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो NFR कंस्ट्रक्शन, तो न्यू रेलवे लाइन सेक्शन इन इंडिया। दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिज़ाइन, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमिशनिंग ऑफ 25 kV और 50 GHz का एक सिंगल फेज AC क्लैरिफिकेशन सिस्टम है। ये ओवरऑल एक कार्विनल का एक रेस्पॉन्सिबल है एक प्रोजेक्ट के लिए, एक वो लाइफ साइकिल में डिज़ाइन एंड प्रोक्यूरमेंट एंड कमिशनिंग का एक काम करने के लिए। तो उससे पहले भी एक ऑर्डर मिला था अराउंड $71 लाख का, तो उसको भी हम लोग उसमें ये किए थे अपना ब्रेक किए थे, तो उसके बाद ओवरऑल आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है। ROE देख सकते हो 21% का ROE भी है, ROC 18% का ROE, फंडामेंटली बहुत अभी अच्छी कंपनी है और लगातार उसको ऑर्डर मिल रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है टाइम पे, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट करना, तो आरवीएनएल जैसा का गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अराउंड आप देख सकते हो 52,000 मार्केट कैपिटल, अभी लास्ट 3 ईयर्स में 800% मैसिव रिटर्न दिया, लास्ट 1 ईयर में अराउंड 240% रिटर्न दे दिया, और ज़रूर उसको करेक्शन में आप ऐड कर सकते हो फॉर बड़ा टारगेट के लिए, तो होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई इसमें राय नहीं है। तो और एक रिसेंट डेवलपमेंट है HFCL लिमिटेड भी हम लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो हम लोग अक्सर इसको ट्रैक करते रहते हैं। अभी रिसेंट जो ऑर्डर मिला है अराउंड 64 करोड़ रुपीज़ का एक सप्लाई ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फॉर लीडिंग प्राइवेट इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर, तो एक लीडिंग एक टेलीकॉम ऑपरेटर उसको एक ऑप्टिकल केबल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एनेबलर है विद द एक्टिव इंटरेस्ट स्पैनिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन एंड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। द कंपनी हैज़ मार्केट कैपिटल अराउंड 16,000 करोड़ का एक मार्केट कैपिटल है, एक मिड कैप कंपनी, तो अभी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिया, अराउंड 52 वीक लो से अराउंड 60 रुपीज़ का 52 वीक लो है, तो वहाँ से लास्ट ईयर अच्छा रिटर्न दे दिया अराउंड 290% लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न दे दिया, एक मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। और
ऑर्डर बुक देख सकते हो अभी, ओवरऑल आप देख सकते हो अराउंड 7,678 करोड़ का एक ऑर्डर है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो एक स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, तो एक काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों। इसको अभी गिरावट में इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, एक अगर मार्केट अच्छा डीप करेक्शन हो तो एक अच्छा मौका ऐसा क्वालिटी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करने का, तो इसमें बने रही है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए एच एफ सेल में भी। दोस्तों कुछ चार्ट चेक करेंगे हम लोग, जैसे कि हमारा एक्चुअली पोजिशन में है ऑलरेडी, तो डी मार्ट हमारा एक मार्च बिगिनिंग से हम लोग कैरी कर रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है, रिटर्न इन द सेंस आप हमारा बैंक के बाद लगभग 23% रिटर्न दे दिया, तो अभी फिलहाल तो अभी वापस एक ब्रेकआउट लेवल पर टेस्ट कर रहा है, तो अगर हमारा के मैंने पे लिए तो प्रॉफिट को ट्रेल कीजिएगा, अगर 50 MA का अपना ये 20 MA का नीचे लगातार दो कैंडल क्लोज होता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है इसमें आप निकल सकते हैं, अदरवाइज आप अभी भी 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और एक हिंदुस्तान कॉपर, इसमें कोई प्रॉफिट बुक करने का जल्दबाज मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ लग रहा है उसमें, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा जो 267 का बाइंग लेवल है फिलहाल चल रहा है 357, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों, रिटर्न देखे हो तो आप देख सकते हो ये भी एक 40% रिटर्न दे दिया, तो अच्छा रिटर्न है दोस्तों, तो इसमें होल्ड कीजिएगा, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए, लगभग 330 के आसपास प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। और हम लोग फ्राइडे का दिन आया अद्वैत इंफ्राटेक, उसमें भी हम लोग एनालिसिस किए थे, आज भी अराउंड 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, तो इसमें भी आपका रिसेंट स्विंग हाई अराउंड 1620 के आसपास का टारगेट इंटैक्ट है, तो उसमें भी होल्ड कीजिएगा, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा पैसा बनता है, अगर स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है राइट टाइम अपना एंट्री करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न इधर भी मिल जाता है दोस्तों। प्रीमियर एक्सपोज भी हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, तो ब्रेकआउट लेवल पे लगभग अराउंड 1660 के आसपास, तो उसके बाद आप देख सकते हो जो हाई कल का जो हाई है 2040 का एक हाई लगाया है, उसके बाद आज भी एक नेगेटिव मार्केट में अच्छा स्ट्रेंथ लग रहा है, 1.5% ऊपर है, इसमें भी जब प्रॉफिट बुक करने का जल्दबाज मत कीजिएगा, इसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न ना देने का एक दम कम रखता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे देश एक्सपैंड भी किया है इसने, प्रीमियर एक्सपोजर फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, लेकिन वो अपने वार का जो माहौल है तो एक ऐसा वाला स्टॉक का भी थोड़ा बहुत न्यूज़ में रहेंगे दोस्तों। आज का पहला स्टॉक है तिरुमलाई केमिकल, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ज़रूर ट्रैक कीजिएगा उसको तीनों को, और पहला स्टॉक तिरुमलाई केमिकल, जैसा वॉल्यूम आपको स्पॉट देखने को मिल रहा है इधर, सो एक वीकली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो फिलहाल हम लोग डेली चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं उसमें, तो आप देख सकते हो, तो आज भी अराउंड बेरिश मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया है, 4% का ऊपर कामकाज कर रहा है फिलहाल, वो लेवल है ना 260-270 का एक लेवल वो फिलहाल होल्ड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे थर्सडे के दिन अगर यही लेवल मिलेगा 280 के आसपास मिलेगा तो हम लोग उस पर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 1:2 रिस्क रिकवर के लिए उसमें काम करेंगे। दूसरा स्टॉक है जिंदल ड्रिलिंग, इसमें भी एक एक्सपेंशन हुआ है, एक जैकअप रिक को बाई किया उसने, तो फिलहाल एक 50 MA के आसपास एक ब्रेक करने के बाद अच्छा होल्ड कर रहा है फिलहाल लेवल, लगभग 675 का लेवल अच्छा होल्ड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आज का लो अराउंड 710 के आसपास हम लोग उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसमें टारगेट रहेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 834 का टारगेट रहेगा, 834 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट वो प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड 900 का लेवल आपको मिल सकता है, अगर हमारा फेवर में जाएगा तो 8 ड्रिलिंग उसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है दोस्तों मान एल्यूमिनियम भी दूसरा दिन में आपको एक वॉल्यूम आपको फॉलोअप कैंडल देखने को मिल रहा है, इवन आपको प्राइस में भी अच्छा एक बढ़ोतरी देखने को मिला है आज, तो क्या करेंगे आज अराउंड 2% ऊपर है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा ही है, तो एक मेटल में जो डिमांड है उसमें भी हम लोग एल्यूमिनियम में और जिंक कॉपर में भी डिमांड है, तो जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम में हम लोग ऑलरेडी एक ट्रेड एनालिसिस किए हैं उसको, तो मान एल्यूमिनियम फिलहाल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किए हैं, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्टॉप लॉस इन द सेंस अराउंड 158 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे मान एल्यूमिनियम, अगर हमारा फेवर में जाएगा तो एक बढ़िया रिटर्न दे सकता है, 1.4 भी इसमें मिल सकता है आपको रिस्क रिवॉर्ड, तो इसको वॉचलिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।